बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। उन्हीं को होगा तुम्हारा दर्शन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। उन्हीं को होगा तुम्हारा दर्शन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। ना पाया तुझको अमीर बनकर, ना पाया तुझको गरीब बनकर, ना पाया तुझको अमीर बनकर, ना पाया तुझको गरीब बनकर। उन्हीं की पूजा हुई है पूरन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। उन्हीं की पूजा हुई है पूरन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। ना पाया तुझको तपस्वी बनकर, ना पाया तुझको मनस्वी बनकर, ना पाया तुझको तपस्वी बनकर, ना पाया तुझको मनस्वी बनकर। मिला उन्हीं को तेरा इशारा जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। मिला उन्हीं को तेरा इशारा जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। उन्हीं को होगा तुम्हारा दर्शन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जहाँ भी जिसने तुझे पुकारा, दिया है तूने उसे सहारा। जहाँ भी जिसने तुझे पुकारा, दिया है तूने उसे सहारा। कटे हैं उनके दुखों के बंधन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। कटे हैं उनके दुखों के बंधन जो तेरे चरणों में आ चुके। जहाँ भी जिसने तुझे पुकारा, दिया है तूने उसे सहारा। जहाँ भी जिसने तुझे पुकारा, दिया है तूने उसे सहारा। कटे हैं उनके दुखों के बंधन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। कटे हैं उनके दुखों के बंधन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। उन्हीं को होगा तुम्हारा दर्शन जो तेरे चरणों में आ चुके। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। अंग समागम धनी के
हृदय लियो सब विचार, साके सोले तोड़ी गूंज रहे, या दिन से कियो सो प्रकट प्रसार, या दिन से कियो सो प्रकट प्रसार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महारानी बाईजुराज की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, गुरुजी मंगलदास महाराज की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। आई नूर बुद्ध विराट माही प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण, शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहने भाइयों, नित्यचर्या नित्य चर्चा जिसके अंतर्गत हम सब लोग संलग्न होते हैं और अपने दिनचर्या को भी सुधारते हैं, चर्चा सुन करके आध्यात्मिक विकास भी करते हैं, दोनों ही जरूरी है। नित्यचर्या शरीर के लिए जरूरी है, चलना फिरना खाना पीना उठना बैठना ये शारीरिक क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को करना भी बहुत जरूरी है शरीर चलाने के लिए। ऐसे ही आत्मा को जागृत करने के लिए, आत्मा को सुदृढ़ करने के लिए, आत्मा को सुव्यवस्थित करने के लिए और आत्मा को परम पद देने के लिए, परम धाम देने के लिए चर्चा भी सुनना और चर्चा को अवलंबन करना, चर्चा का अर्चा हो जाना ये भी बहुत जरूरी है। तो हम लोग YouTube चैनल से, प्रणामी मीडिया से नित्य प्रति प्रातः 7 बजे उपस्थित होते हैं और चर्चा का रसपान करने का, कराने का ये सुखद और सुंदर अवसर प्राप्त करते हैं। इसी क्रम में आज के दिन श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर में बैठ करके चर्चा का रसस्वादन करने जा रहे हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने जो संबत का प्रयोग किया है, साके सोले तोड़ी गूंज रहे, साली बहन के साका को उन्होंने प्रयोग किया अपनी वाणी के अंतर्गत, क्योंकि हमारे देश में विक्रमी संबत भी चलता है, चलता रहा, आज भी शुभ काम के लिए विक्रमी संबत को देखा जाता है। और उसके ठीक 35 साल बाद जब विक्रमादित्य ने संबत की स्थापना की तो साली बहन ने भी संबत की स्थापना की। ये राजा लोग रहे, राजाओं ने संबत की स्थापना की, जैसे श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ तो कृष्ण संबत भी चलता है, 5249वां अभी कृष्ण संबत चल रहा है। इस बार जन्माष्टमी मनाएंगे तो 5250वां कृष्ण जन्म उत्सव होगा, तो कृष्ण संबत भी चल ही रहा है। एक सृष्टि संबत भी है, कब से सृष्टि हुई वो संबत भी हिंदू परंपरा में, सनातन परंपरा में स्वीकार किया जाता है। सृष्टि संबत, कृष्ण संबत, विक्रमी संबत, सालीबहन संबत। और श्री प्राणनाथ जी महाराज जब प्रचार करते थे तो उस समय भारत में मुगलों का शासन था और तत्काल शासक था औरंगजेब, इसलिए देश की सारी व्यवस्था हिजरी संबत के हिसाब से चलाई जाती थी। सब लेखा जोखा कानून न्याय जो कुछ भी है उसके तिथियां हिजरी संबत से लिखी जाती थी और हिजरी संबत से निश्चित किया जाता था, क्योंकि वह अपने धर्म को लेकर के आए और शासन व्यवस्था सत्ता उन्होंने हथिया लिया तो उन्होंने अपना संबत चलाना प्रारंभ किया। श्री जी महाराज उसी जमाने में धर्म प्रचार करते थे
इसलिए कहीं कहीं उन्होंने हिजरी संबत का भी प्रयोग किया है। कयामत नामा में आप देखते हैं, मार्फत में देखते हैं, हिजरी संबत का प्रयोग हुआ है। और जब अंग्रेज लोग आए, देखिए मुगल लोग के बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन किया, वो ईसवी संबत लेकर के आए। आज जो हम लोग संबत का प्रयोग कर रहे हैं वो ईसवी संबत है। ईसा के बाद जो संबत प्रारंभ हुआ उस संबत का हम लोग पालन कर रहे हैं। देखिए ये समय समय की बात है और जमाना जिस तरह से चलता है उसी के हिसाब से दिन तिथि बार नक्षत्र ये सब देखा जाता है। तो आप देखिए कि कोई समय ऐसा था कि तिथि के हिसाब से, पक्ष के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से भी समय का निर्धारण किया जाता था। जैसे हम लोग परम धाम की बातें करते हैं तो परम धाम में तो सब तिथियों से होता है, वहां कोई संबत नहीं है। परम धाम में तिथियों के हिसाब से शुक्ल पक्ष है कि कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष में कौन सी लीला होनी है, शुक्ल पक्ष में कौन सी लीला होनी है, पक्ष के हिसाब से परम धाम में सब कार्यक्रम निश्चित होते हैं और श्री राज्य लीला करते हैं वो भी पक्ष के हिसाब से करते हैं। तो संसार में आज हम लोग हैं तो संसार के रीत को हमें पालन करना होता है और उसी संबत के हिसाब से हमें जीवन जीने का ये हिसाब किताब तैयार करना पड़ता है। तो आज ईसवी संबत चल रहा है, हम उसके हिसाब से तारीख के हिसाब से चल रहे हैं। पर श्री जी महाराज ने यहाँ चौपाई में लिखा, साके सोले तोड़ी गूज रहे, कहते हैं सालिबान के साके से 1600 तक ये ब्रह्म ज्ञान ये तारतम ज्ञान गुप्त ही रखा गया। उतरा तो पहले सदगुरु के समय में ही ब्रह्म ज्ञान का अवतरण हुआ और सदगुरु ने अपने जीवन काल में देखी है ये तो 1678 में ही तारतम का अवतरण हुआ विक्रमी संबत के हिसाब से। अब सालिबान 1600 कहते हैं तो ये 1735, अब देखिए 1735 जो है ये विक्रमी संबत है। तो यहाँ सालिबान और विक्रमी में जो मैंने डिफरेंस बताया ये 135 साल का निकल रहा है, मात्र 35 साल नहीं 135 साल का। तो 1735 में श्री जी हरिद्वार पहुंचे तो वहां पर तो मेले में कितने लोग आए हुए रहते थे, कुंभ मेले में सब धर्म के अनुयायी श्रद्धालु भक्तजन स्नान करने वाले स्नान करने वाले साधु संत फकीर तीर्थयात्री गरीब धनी कोई भी जात का हो, कोई भी वर्ग का हो, कोई भी वर्ण का हो। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ज्ञान सुना रहे हैं तो सबको थोड़ी थोड़ी देर सुनने का मौका मिला, क्योंकि आज भी कुंभ मेले में हम लोग शिविर लगाते हैं तो तीर्थ यात्री आकर के एक बार बैठ जाते हैं, 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके प्रवचन सुनते हैं, फिर उनको नहाना होता है, कहीं जाना होता है तो उठ के चले जाते, फिर दूसरा ग्रुप आ जाता है, तीसरा ग्रुप आता है, कान में 2-4 शब्द भी गए हैं तो ब्रह्म ज्ञान का तो असर जीवन में होता ही होता है। चलते फिरते कान पवित्र हो जाएंगे, हृदय भी पवित्र हो जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कुंभ मेले में वहां रह करके चर्चा ब्रह्म ज्ञान सुना रहे हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि अब तक तो जो आते थे, जो मंदिरों में आते थे, सत्संग में आते थे, जो कुछ लोग आते थे, ब्रह्म ईश्वरी जीव में भी सीमित लोग आते थे और उनके भी चर्चा होती थी, पर हरिद्वार के महाकुंभ मेले से तो असीम लोगों को ये ज्ञान बांटा गया कि मेले में कितने लोग हैं उनकी कोई गिनती नहीं होती, असीमित इतने लोगों को ये ब्रह्म ज्ञान बांटा गया। तो कहते हैं कि अब ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो गया है, जिसको आज तक गोपनीय रखा उसको प्रकट कर दिया गया, जाहिर कर दिया गया, कोई भी सुनो, कोई भी पढ़ो, कोई भी जीवन को सफल बनाओ, इसको याद न थे कियो सो प्रकट पसार, कोई भी इसको पढ़ सकता है, जीवन में अनुभव कर सकता है और ब्रह्म ज्ञान को पा करके ब्रह्म तत्व का बोध कर सकता है, अपनी जागनी कर सकता है, ऐसे करके इसको खुला कर दिया गया।
तो कहते हैं आई नूर बुद्ध बैराट माही, इस विराट ब्रह्मांड में अक्षर की बुद्धि तारतम लेकर के आई, तारतम बुद्धि कहते हैं ना। ऐसे तो संसार में बुद्धि तो पहले से ही थी, जब से सृष्टि हुई तब से बुद्धि आई ना, बुद्धि नहीं होती तो सृष्टि नहीं होती, संसार का संचालन नहीं होता। कितने ऋषि आए, मुनि आए, महात्मा आए, महापुरुष आए, अपनी अपनी बुद्धि से उन्होंने अनेक शास्त्रों का अवतरण भी किया, शास्त्रों का उन्होंने विस्तार भी किया, उसकी व्याख्या भी उन्होंने की। बुद्धि पहले से थी, पर एक तारतम बुद्धि, बुद्धि में भी तारतम बुद्धि, जिस बुद्धि में तारतम महामंत्र भी समाया हुआ है, तारतम महामंत्र भी जिसके अंतर्गत उल्लिखित है, ऐसी बुद्धि को नूर बुद्धि करके श्री जी महाराज वाणी में कहते हैं। जिस बुद्धि में प्रकाश है, ब्रह्म ज्ञान है, संसार को भी प्रकाशित कर रहा है, परम धाम को भी प्रकाशित कर रहा है, ऐसे नूर बुद्धि लेकर के इस विराट में धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का आगमन हुआ। विश्वकरी सो निर्विकार कहते हैं, उनके जो तारतम बुद्धि में, तारतम ज्ञान में सबको निर्विकार कर देना, क्योंकि लोग विकार से घिरे हुए हैं, मन में विकार, सोच में विकार, कार्य में विकार, कर्तव्य में विकार, ऐसे विकार ही विकार बहुत सारे दुनिया के अंतर्गत चलते हैं। जब तक विकार है तो तब तक ब्रह्म तत्व का बोध नहीं होता, नहीं परमधाम का द्वार खुलता है। विकार को तो धोना ही पड़ेगा, गंदे कपड़े पहन करके कब तक रहेंगे, उसको तो धो धा करके साफ किया जाता है। ऐसे ही हमारे गंदे विचार, गंदा मन, गंदी सोच अगर है तो उसको तो धोना ही पड़ेगा, ब्रह्म ज्ञान से उसको साफ करना ही पड़ेगा। तो ऐसा ब्रह्म ज्ञान सदगुरु महाराज ने बरसाया कि सबके विकार भूल गए, जो उसके करीब आए, जो करीब नहीं आए वो तो वैसे ही रहेंगे, पर जिन्होंने आवाज सुनी, जिन्होंने खुद को सुधारने के लिए मन में सोच बना लिया, जो कुछ उद्यम करते रहे, पराक्रम करते रहे, वो सब के सब निर्विकार हो गए उनके चरणों में आकर के। छोटे बड़े नर नार सब मिले, अब वो कुंभ के मेले में क्या है, छोटे लोग भी आ जाते हैं, छोटे मतलब बालकों को भी छोटा कहा जाता है। और उस समय जाति पाति वर्ग वर्ण की व्यवस्था थी, तो छोटी जाति के लोग भी गंगा स्नान करने के लिए तो सबको छूट है, तो ऐसे बालक वर्ग के लोग को भी छोटा कहा जाता है, और सामान्य जाति के लोग हैं उनको भी छोटा कहा जाता है, वो भी वहां पर सुनने के लिए आ रहे हैं। और बड़े कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, प्रौढ़ लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको बड़े कहा जाता है। और बड़े का दूसरा अर्थ होता है राजा महाराजा लोगों को भी बड़े कहा जाता है, पंडित विद्वान ज्ञानी परमहंस उनको भी बड़ा कहा जाता है। और बड़ा कहने से जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, उनको भी बड़ा कहा जाता है, क्योंकि जाति में बड़े उस समय माने जाते थे। तो श्री जी कहते हैं छोटे बड़े सब आ रहे हैं, नर नार, नर मतलब पुरुष जाति वो भी सुनने आ रहे हैं, नार मतलब स्त्री जाति, क्योंकि मुक्ति तो सबको चाहिए। आज कोई पुरुष है कोई स्त्री है तो ये तो क्या है, प्रकृति का खेल है, किसको कौन सा बाना मिला, किसको कौन सा शरीर मिला, ये तो एक प्रकृति का खेल है, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, संचालित करने के लिए। पर भक्ति करने के लिए तो दोनों में वही आत्मा है, एक ही तरह की आत्मा अंदर संचारित हो रही है, शरीर की बनावट ही तो अलग है, सोच एक है, विचार एक है, सबको भूख लगती है, सबको प्यास लगती है, सबको नींद सताती है, सबको ब्रह्म ज्ञान की तलाश होती है, सबको तीर्थ जाना है, व्रत करना है, सब विचार तो एक होते हैं। इसलिए भक्ति करने के लिए नर नार दोनों को उपस्थित होना चाहिए, वहां सबके सब श्री जी का ज्ञान सुनने के लिए आ रहे हैं, खड़े होकर सुनते हैं, सबे मिले और सब परस्पर मिलकर सुनते हैं, धक्कम धक्का करके नहीं। मेला तो है, पर मेले में क्या होता है कि प्रेम से मेले का संचालन भी होता है, और कई कई मेले होते हैं धक्कम धक हो जाते हैं ना। अभी आपने टीवी में देखा होगा कि हाथरस में एक मेला हुआ, सत्संग हुआ, धक्कम धक होने से 121 लोग दब करके मर गए ना,
तो वो मेला सही मेला नहीं है। जा धकम धक लोग करें, एक दूसरे के ऊपर उछल जाएं, एक दूसरे को दबा दें अपने पांव के नीचे, वो सत्संग मेला नहीं होता है। सत्संग मेले का अर्थ है कि पहले वाले को जाने दिया जाए, फिर हम जाएं, एक दूसरे का आदर करें, कदर करें, मान करें, सम्मान करें, कहीं दौड़ धूप न करें, भागम भाग न करें, भीड़ न मचाएं, ऐसे चीज को सही में मेला कहा जाता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि सब मिल करके मेले का आनंद ले रहे हैं, स्नान करते हैं तो भी मिलजुल करके करते हैं, सत्संग में आते हैं तो भी सभी मिला, सब मिले हुए हैं, परस्पर एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए सब वहां पर एकत्रित हैं। रंगे गाए सो मंगलाचार, फिर आनंद के रंग में मस्त हो करके जब प्राणनाथ जी महाराज चर्चा करते हैं ना, उसके बाद भजन, स्तुतियां, प्रार्थनाएं, वाणी गायन, न जाने क्या क्या और भी कार्यक्रम होते हैं जहाँ श्री जी बैठे हैं। अकेले श्री जी दिन भर तो बोलेंगे नहीं, बीच बीच में प्रवचन होता है और बीच बीच में सुंदर साथ की मंडली वहां पर बैठी हुई है। आज भी संपर्क डालों में यही होता है, जितने कुंभ मेले में पंडाल लगते हैं, भजन कीर्तन धुन सब चलते रहता है। तो रंगे गाए वहां पर सब आनंद के रंग में सब लोग गा रहे हैं, जो धुन लगाया जा रहा है सबके सब उसको दोहरा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का धुन सब गाए जा रहे हैं। सो मंगलाचार कहते हैं, मंगल वातावरण हो रहा है, मंगल गीत गाने से वातावरण भी मंगल हो जाता है, क्योंकि वो मंगल गीत का प्रभाव हो जाता है ना, उसकी महिमा सुन सुन करके सबका दिल पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो इस तरह से मंगल गान करके, मंगल गीत गा करके वातावरण को सब पवित्र बना रहे हैं, आनंद वर्धक बना रहे हैं। काटे सो आउद असुरों के, और ऐसे वहां पर संगठन बढ़ा, ऐसे सब केंद्रित हुए श्री प्राणनाथ जी महाराज की ओर, हरिद्वार के संत भक्त तीर्थयात्री साधक जो भी थे सब प्राणनाथ जी की ओर जब आकर्षित हो जाते हैं, तो काटे सो आउद असुरों के, उस समय बादशाह औरंगजेब ने अपनी सेना वहां पर भेज रखी थी कि उस मेले में कोई बड़े बड़े संत आएंगे तो उनको गिरफ्तार करना, पकड़ लेना, क्योंकि वो वहां पर हिंदुत्व के संगठन के विषय में बात कर सकते हैं। पर श्री प्राणनाथ जी महाराज का ऐसा प्रभाव था कि सेना भी वहां पर इतना हिम्मत नहीं जुटा पाई, सेना भी कुछ नहीं कर पाई प्राणनाथ जी के शक्ति के आधे। तो कहते हैं कि असुरों के आउद मतलब हथियार, उनके हिम्मत को ही कम कर दिया गया और असुर वहां आकर के कुछ बिगाड़ न सके मेले में, आनंद मंगल पूर्वक मेला चल रहा है। पहाड़ी पापीड़ा के सिर पर प्रहार, कहते हैं मेला में मेला भंग करने के लिए जो लोग जाते हैं उनको तो पापी कहना चाहिए ना, क्योंकि धर्मी तो मेला भंग नहीं करते हैं, धर्मी तो मेले को सजाते हैं, सुंदर बनाते हैं, सहयोग करते हैं, समर्पित होते हैं। पर कभी कभी धार्मिक लोगों में अधार्मिक लोग भी घुस जाते हैं, असुर बुद्धि वाले भी वहां पर घुस जाते हैं और क्या करते हैं, वहां जाकर के विघ्न उपस्थित कर देते हैं, कुछ ना कुछ वहां पर झमेला झंझट उपस्थित करते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उनको पापीड़ा कहा, पापीड़ा का अर्थ होता है पापी लोग, ये गुजराती शब्द है, डा जोड़ देने से, कानूड़ा कहते हैं ना कृष्ण को डा जोड़ देने से, पर पापी लोग ऐसा करके हम लोगों को समझना चाहिए। तो पाड़ी पापीड़ा के सिर पर प्रहार, तो ऐसे पापी लोगों के सिर पर प्रहार किया गया, हथियार से प्रहार नहीं, वचनों से, ज्ञान से, चर्चा से, भक्ति से उनके सिर पर प्रहार कर दिया, तो उनकी भी बुद्धि सुधर गई कि मेले में विघ्न नहीं करना चाहिए, कुछ करना नहीं चाहिए बल्कि सहयोग करना चाहिए, ऐसा भाव उनमें उत्पन्न होने लगा। ये भी श्री जी के प्रभाव से, वाणी के प्रभाव से, और जो अक्षर की बुद्धि तारतम लेकर के उतरी हुई है नूर बुद्ध, उसके प्रभाव से ये सब काम हो रहा है। फिर कहते हैं इन्हें दुख दिए साध संत को, क्योंकि ये असुर लोगों ने क्या किया था,
साधु संतों को भी दुख देते थे, साधु संतों को भी कष्ट दिया। देखिए गुरु तेग बहादुर है ना, गुरु तेग बहादुर चल करके आए धर्म का सही सिद्धांत उसको समझाने के लिए। तो ऐसे साधु संत, क्योंकि सिख संप्रदाय के गुरु थे तेग बहादुर, और उनको भी कष्ट दिया गया, उनका भी सिर उतार दिया गया। ऐसे तो दूसरे भगत मतिदास करके थे, उनका भी सिर उतार दिया गया। कितने इतिहास में आप पढ़कर देखेंगे तो कितने साधु संत भक्तों को भी सताया गया और उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये लोग जो हैं दुख साधु संत को भी देते रहे, कष्ट देते रहे। तो सहता है सिर पर मार, श्री जी कहते हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने दूसरों को सताया है, समय कभी ऐसा लौट करके आता है कि उनको भी इसी तरह दुख झेलना पड़ता है। दुनिया की रीत है, कर्म का फल है कि कोई किसी को सता रहा है उसको भी एक दिन सताने वाला आ जाएगा। जैसे आप देखिए सत्ता में लोग लड़ लड़ करके आते हैं, फिर दूसरे आकर के जीत जाते हैं। तो ये क्या है कि कर्म का चक्र चलते रहता है। आज किसी ने किसी को सताया तो जिंदगी भर सताएगा ऐसी बात नहीं है, उसका भी अंत आ जाएगा। इसी जीवन में कर्म फल भोगेगा, नहीं भोग सका तो जन्म जन्मांतर में कभी न कभी कर्म का फल सामने आ ही जाता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं सो सहताएं सिर पर मार, इसलिए अब ये लोग निर्बल जब हो गए, औरंगजेब की सेना जो वह निर्बल पड़ गई, तो कहते हैं कि अब ये बचनों का मार अपने सिर पे वो भी सहन कर रहे हैं और अपने आप को सुधारने के लिए वो भी प्रयास कर रहे हैं। रुधे त्रिगुण त्रिलोकी, फिर कहते हैं कि आज तक ये कलियुग के प्रभाव से सब जगह अंधकार छाया हुआ था, वास्तविक धर्म क्या है वो पता नहीं था, और इस्लाम परंपरा में भी वास्तविकता से लोग बहुत दूर चले गए थे। हिंदू परंपरा में भी त्रिगुण की सृष्टि, त्रिगुण की पूजा में ही स्वर्ग मृत्यु पाताल यही सब कुछ है, इससे परे कुछ नहीं है, ऐसा करके सब क्या है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति से वंचित होकर के देवी देवताओं की भक्ति, अवतारी पुरुषों की भक्ति, साधु संत गुरुजनों की भक्ति, ऐसे करके लोग उसमें बंधे हुए थे। बैठा था करके अंधार और सब में एक अंधकार छाया हुआ था कि यही सब कुछ है, इससे परे कुछ नहीं, यही अंत है, स्वर्ग वैकुंठ यही परम धाम है, यही पराकाष्ठा है, इससे परे कुछ नहीं, इस प्रकार की बुद्धि उनमें भी थी। अब प्रकटे ज्योत तले लागी आकाशों, श्री जी कहते हैं अवतारतम की ज्योति प्रकट हो चुकी है, पाताल से लेकर के आकाश तक सब परिचय देने के लिए विराट का नक्शा खड़ा हो गया है। तो कहाँ पाताल है, कहाँ परम धाम है, कहाँ देवलोक है, कहाँ अवतारी पुरुष जाते हैं, सब कुछ स्पष्ट हो गया है, खड़ा कर दिया उस नक्शे को, तो सब जान पाते हैं कि किसकी गम कहाँ तक है, किसकी पहुँच कहाँ तक है, और कौन कहाँ जा करके परम पद को पा सकता है, वास्तविकता क्या है, क्षर क्या है, अक्षर क्या है, अक्षरातीत क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम कहाँ रहते हैं, सब कुछ तारतम के द्वारा स्पष्ट करके उनको बता दिया गया। उड़ाए दियो जो थो धुसार, कहते हैं कि एक धुंध भ्रम का धुंध लोगों में फैला हुआ था, धुंध फैलने से कुछ नहीं दिखता है, धुंध फैलता है तो हम गंतव्य में नहीं पहुंचते, जहाँ कुछ दिखता है वहीं बैठ जाते हैं, यही है गंतव्य, ऐसा सोचते हैं, धुंध छटने के बाद फिर लगता है वो तो बहुत दूर है। तो ऐसे ही धुंध एक माया का त्रिगुण का धुंध फैला हुआ था और भ्रम के मारे सब यही ब्रह्म है, यही सब कुछ है। कई कई लोग तो ऐसा भी बोलते हैं ना कि संसार ही सब कुछ है, परम धाम भी यही संसार है और स्वर्ग भी यही है, वैकुंठ भी यही है, गोलोक धाम भी यही है, जो कुछ करो सो यही पृथ्वी लोक है, इससे परे कुछ नहीं, ऐसे भी सोच लेकर के एक वर्ग चलता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, इससे परे पितृलोक है, स्वर्ग लोक है, वही सब कुछ है। कोई कहते हैं वैकुंठ है और कैलाश है, ब्रह्मपुरी है, कोई कहते हैं उससे परे नारायण भगवान का लोक है, निराकार है, गोलोक धाम है, अक्षर धाम है, केवल धाम है, सबका अपना अनुभव है,
श्री जी महाराज परम धाम का अनुभव बांट रहे हैं। सबसे परे का जो धाम है, परे से परे का धाम, वहां का अनुभव बांट रहे हैं। तो जब परम धाम का अनुभव वो बांटते हैं तो सबके मन में जो भ्रम रूपी एक धुंध छाया हुआ था, दुसार करके श्री जी ने कहा, ओ धुआं सब हट जाता है, ओ बादल सब हट जाता है। जैसे बादल लगने से सूर्य के दर्शन नहीं होते, इसीलिए एक ज्ञानी ने भजन में कहा, सत धर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य छुप न सकेगा। सत्य धर्म का प्रचार कभी ज्यादा समय तक छुपेगा नहीं, बादल सूर्य को बहुत देर तक छुपा नहीं सकता है, सूर्य तो कहीं से प्रकट हो ही जाते हैं। ऐसे ही सत्य धर्म भी कहीं से प्रकट हो जाएगा, धुंध उसको कब तक छुपा करके रखेगा। श्री जी महाराज कहते हैं उनके हरिद्वार जाने से, अर्थार्थम का विस्तार करने से सब धुंध हट गया, छट गया और ब्रह्म ज्ञान का खूब जोर शोर से प्रचार हुआ। तो बाद में सबके सब लोग श्री जी से प्रभावित होकर के उनकी आरती, गंगा जी के आरती के सराह समान उनकी आरती उतारने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही हरिद्वार का प्रसंग हमें सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। तो आज का हमारा आधा घंटे का समय पूर्ण हुआ और मंगलधाम में सेवा दिल्ली की ही पद्मा भगत, दीपक भगत जी की ओर से मंगलधाम में हमें सेवा प्राप्त हुई है, उनको भी बहुत बधाई और दिल्ली के सभी सुंदर साथ को मंगल बधाई देते हुए आज के प्रसंग को यहीं पर विराम दे रहे हैं। चौपाई दोहराते हुए बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, रुदे रुदे त्रिगुण त्रिलोकी, बैठा था करके अंधार, अब प्रगटे जोता तले लागी आकाशों, उड़ाए दियो जो थो दुसार, उड़ाए दियो जो थो दुसार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री धाम के धनी की, प्रणाम। अंतराय की सो अंतरे अमर कर ताल के बुला।
और बोलते हैं।